आपने जो ये कहा कि ये शरिया पर चलेंगे कांग्रेस के मैंने लोग, नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा, ये शरिया कैसे आया इसमें? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को तवज्जो देंगे। पर्सनल लॉ कौन सा है देश में? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो तो डरते हैं, इसलिए कहते नहीं है कि हम यूसीसी नहीं लाएंगे। हम यूसीसी लेकर आए उत्तराखंड में, इसलिए कहते कि हम पर्सनल लॉ रिस्टोर करेंगे। सरिया ही तो है, और क्या है? आपके पास कोई अलग अर्थ हो तो समझाइए मुझे जरा। मैं तो यही समझता हूं, या तो कांग्रेस पार्टी ने समझाना चाहिए। पर्सनल लॉ से क्या मतलब है? और किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? हमारी संविधान सभा का यह मैंडेट है कि इस देश के विधानमंडल और संसदों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। आज कांग्रेस उससे मुकर रही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, इसलिए पर्सनल लॉ की हिमाकत करते हैं, वकीलात करते हैं लोग। हमारे संकल्प पत्र में हमने स्पष्टता से कहा है, समय आ गया है कि पूरे देश में यूसीसी लगाया जाए।